प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में डिजिटल अरेस्टिंग के मामले लगातार सामने आ रहे। ऐसा ही ताजे मामले में इंदौर में पदस्थ साइंटिस्ट और उनकी धर्मपत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों द्वारा डरा धमका कर 70 लाख से अधिक की राशि ऐंठ ली गई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच DCP राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि शहर के प्रौद्योगिक में पदस्थ सीनियर साइंटिस्ट के साथ साइबर अपराधियों द्वारा वारदात की गई। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को उन्हें फोन आया था और उन्हें बताया गया कि 18 अगस्त 2024 को दिल्ली में एक सिम कार्ड जारी हुआ है जिस गैर कानूनी विज्ञापन और महिला उत्पीड़न संबंधित SMS वायरल हुए, जो कि एक पूरी तरह से घोर अपराध है। साइबर अपराधियों ने स्वयं को TI के ऑफिसर बताकर धोखाधड़ी की वारदात की। इसके बाद उनकी धर्मपत्नी को भी फोन कॉल आना शुरू हो गए थे और फिर उन्हें साइबर अपराध ED CBI RBI दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर फोन कॉल करना शुरू कर दिए। इसके बाद उनके अकाउंट में रखे हुए 73,33,000 की राशि साइबर अपराधियों ने स्वयं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। बताया जा रहा है कि कुल 23 बैंक के खातों में यह राशि ट्रांसफर की गई थी, जिन्हें साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा चिन्हित कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। डिजिटल अरेस्ट आजकल ये बहुत हो रहा है, बार बार क्राइम ब्रांच भी आगाह करता है कि इसमें डिजिटल अरेस्ट के जो मामले होते हैं उससे सतर्क रहें। अभी जो मामला आया है वो लगभग 70 लाख के फ्रॉड का आया है, जो इसमें दो साइंटिस्ट थे। इन्हें एक कॉल आता है कि हम दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और आपके एक मोबाइल पकड़ा गया है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित शिकायत आई है। लगभग 300 ऐसे सिम पकड़े गए हैं और इस तरह से उसको भ्रमित करके और उन्हें फ़ोन लगाया जाता है। फिर बाद में उनको एक वीडियो कॉल के जरिए उनको डिजिटली उनको एक जगह रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक हम आपके संपूर्ण चीज़ों की चेकिंग नहीं कर लेंगे आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं इसलिए आपका काम प्रायोरिटी पे किया जाएगा। और ऐसा कह के उनसे उनके अकाउंट के पूरे पैसे अपने अकाउंट में ये कह के निकलवा ले लिए जाते हैं कि इन पैसों की चेकिंग की जाएगी और पैसा यदि सही रहा तो वापस 1 घंटे में आपके अकाउंट में दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इस झांसे में आते हुए फिर करीब 1.5 घंटे की इस प्रोसेस में उसको डिजिटली वहीं पे रखा जाता है और बाद में ये कहा जाता है कि जैसे ही आपकी जांच पूरी हो जाती है आप नज़दीक के थानों में जा करके आपके खिलाफ जो भी है आप वहां से ओके रिपोर्ट ले लीजिए कि आप इसमें सही साबित पाए गए हैं। और इस अवधि में जो पैसे उनके ट्रांसफ़र होते हैं उसको वो विड्रॉ कर लेते हैं और बाद में जब वो थाने पहुँचता है नज़दीक के तब उसको मालूम पड़ता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो ये तो अभी इंदौर में ही पदस्थ हैं अभी और इनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। इस पर अब पुलिस टीम इसमें लग करके इसमें कर रही है। जी डिजिटल अरेस्ट अभी ये लगभग 70 लाख का है और ये डिजिटल अरेस्ट में करीब इनको 2-3 घंटे रखा गया था जितना मेरी जानकारी है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।